अध्यक्ष नियंत्री व मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बड़वानी सर्कल को मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी व कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन दिया। ज्ञापन आनंद कुमार अहिरवार कार्यपालन यंत्री एमपीबी सेंधवा के विरुद्ध दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि सेंधवा कार्यपालन यंत्री अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, अश्लील गाली गलौज करते हैं, अभद्रता करते हैं, नियम विरुद्ध कार्य करवाते हैं, रात्रि में अनावश्यक चर्चा कर रात्रि 11 बजे तक मीटिंग लेते हैं। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला इकाई बड़वानी ने चेतावनी दी है, अगर 72 घंटे में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कार्यपालन यंत्री सेंधवा के तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बड़वानी से हर्षित सोनी की रिपोर्ट। माता की जय। भारत माता की जय। और कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध की जाती है। इनकी कार्य पद्धति द्वारा संयुक्त मोर्चे को अवगत कराया गया है कि श्री अनंत कुमार अहिरवार कार्यपालन यंत्री सिंधवा द्वारा धीरेन्द्र कुमार यादव कहाँ पदस्थ हुआ राजपुर ग्रहण वितरण केंद्र में। ये आत्महत्या का आवेदन क्यों लिखा और क्या कारण रहा पीछे उसके? क्योंकि वर्तमान कार्यपालन यंत्री है उनके व्यवहार से मैं परेशान था। क्या नाम है उनका, कहाँ पदस्थ करे? आनंद श्री आनंद कुमार अहिरवार सिंधवा संभाग। किस प्रकार परेशान हुआ? मैं परेशान हूँ कि हर बात में जो है मेरे को जो है अभद्र रूप से मेरे साथ व्यवहार किया जाता है एवं बात हर बात पे जो है CR जो लिखाता है वो उसके दिया जाता है, वेतन काटने की धमकी दी जाती है, वेतन काट लूँगा, ये सब चीज़ों से मैं परेशान हूँ। निश्चित ही विभाग के जो लक्ष्य रहते हैं वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी स्तर पर दबाव है, वो उनके प्राप्ति के लिए जो कुछ किया जाता है वो थोड़ा सा उसको पॉजिटिव वे में लेते हुए अधिकारी को भी समझाइश दी जाएगी और एक औद्योगिक शांति बनी रहे ऐसे प्रयास किए जाएंगे। सेंधवा में पिछले 6 माह से एक तानाशाह अधिकारी की पदस्थापना हुई है, उसकी कार्य पद्धति के खिलाफ सारे सभी कर्मचारी और अधिकारी लामबंद हुए हैं। ये जो हम ज्ञापन दे रहे हैं ये ज्ञापन महासंघ पत्रोपाध्य अभियंता संघ और भावी शोध कर्मचारियों के संयुक्त तत्वावधान में दिया जा रहा है। और क्या तानाशाही की जा रही है उनकी? उनके द्वारा कर्मचारियों से 18-18 घंटे काम लिया जा रहा है। शाम को 6 बजे वो DC पे कहीं पहुंच जाते हैं कर्मचारियों को एकत्रित करना और वो आप तो बैठे रहते हैं होटल में जो है खाना और कर्मचारियों को बोलते हैं कि रातों में लाइन काटो। ये एक जो है रात में लाइन काटना वर्जित है, अगर कर्मचारी गिर जाएगा कुछ दुर्घटना हो जाएगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? और शासन का भी नियम है कि वर्किंग आवर्स में लाइनें काटी जाए, जब काउंटर चल रहा हो उस समय लाइन काटी जाए, उसके अलावा जो है लाइन नहीं काटना है।